We have some very eminent personalities among us. It's a great pleasure for me to introduce Padma Shri, Shri Dr. Sharit Kali Ji, former head technology transfer division, Bhabha Atomic Research Center. Shri Kali Ji did his MSc in microbiology from Pune University in 1976. His early education was in Ahmednagar. He joined Bhabha Atomic Research Center in 1976 and served as a scientist in various capacities till August 2016. He retired as Associate Director, Bioscience Group, Head Nuclear Agriculture and Biotechnology Division and Head Food Technology Division. He has developed several technologies which are in the public domain. He has conducted several day-long workshops for teachers, students, and citizens for almost 25 years in various parts of our country. He has written several Marathi articles for popularizing science in society. He has 70 research publications on his name. So far, he's published 8 books in Marathi on science awareness and 1 in Hindi, consisting of science poems. He was awarded Padma Shri in 2013 in the discipline of science and engineering. May I request Kali Ji to kindly come and address the audience. Good morning. Namaskar. शुभ प्रभात व्यासपीठा बसले सगले मान्यवर ऑल दी डिग्निटरीज ऑन द डायस इट्स नाइस ओकेजन टू कम एंड मीट यंगर जनरेशन इन द एकेडमिक्स यंगर जनरेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो एंड In various parts, there are farmers here. बहुत किसान आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. कभी कभी ऐसा लगता है कि एक गालिब का शेर था. गालिब कहता था, आजकल शेर सुनाने की उम्र तो नहीं रह गई, लेकिन एक शेर सुनाता हूँ जो बहुत अहम है. एक ही भूल जिंदगी भर करता रहा बार बार गालिब. एक ही भूल जिंदगी भर करता रहा बार बार गालिब. धूल चेहरे पे थी लेकिन आईना साफ करता रहा. हमारी जो पर्यावरण की अवेयरनेस है वो थोड़ी उस जैसी है. हम कहते हैं हम अवेयर है. एक हिंदी कविता सुनाता हूँ मेरी. क्या बदल सकेंगे हम खुद को. चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले. चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले. अब अंतरिक्ष दूर नहीं है. पहुंचेंगे कल मंगल ग्रह पर भी या शायद उसके आगे भी. आएगी कल बुलेट ट्रेन हमारे देश में. आएगी ना सर. आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारे. होगी कई सारी स्मार्ट नगरी हमारे देश में. होगी कई सारी स्मार्ट नगरी हमारे देश में. लेकिन मित्रों, क्या बदल सकेंगे हम खुद को. डंपिंग यार्ड्स बढ़ाते जा रहे हैं. धरती माँ को कब से तड़पा रहे हैं. घर का कूड़ा म्यूनिसिपैलिटी के गाड़ी में डाल के घर तो स्वच्छ होगा मेरे मित्र, लेकिन क्या भारत स्वच्छ होगा. उसी कूड़े से आएगी ना कल के अनाज की बोरी. यही बतला रही ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी. सस्टेनेबिलिटी बोल रहे हैं. यही कह रहे हैं ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी. कूड़ा बाहर फेंकने से जहाँ दिन की शुरुआत होती है वहाँ भारत बदलने की बात हो रही है. मेरा भारत महान. कूड़ा बाहर फेंकने से जहाँ दिन की शुरुआत होती है वहाँ भारत बदलने की बात हो रही है. मेरा भारत महान. ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं कर रहे. मुझे पता है राजीव साहब, दराड़े साहब दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं. मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है. वो संख्या बढ़ानी है. पुष्कर ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं. वो अहम सवाल है. 3 चीज़ें आप कर सकते हो. पहला तो यह है
ये सबको मेरी वही रिक्वेस्ट रहेगी, 25 साल से वही मैं विनती करता हूँ। एक बार काकोड़कर सर ने पूछा था कितनी साल ऐसे लोगों को विनती करते रहोगे, मैंने कहा सर दो जनरेशन लगेंगे, अभी एक जनरेशन तो हो चुकी, अभी ऊपर जाऊंगा तो चित्रगुप्त से कहूंगा भाई एक बार और भेज दो, थोड़ा सा काम बाकी है। तो पहला तो काम आपको ये करना है कि आपके डिक्शनरी से कचरा शब्द हटा दीजिए। हमारा जो शेक्सपियर है बहुत अच्छे नाटक लिखे थे, और उस अगर मिलेगा मुझे ऊपर जाने के बाद तो मैं सब बोलूँगा उसे, मुझे आपसे झगड़ा करना है। आपके हैमलेट बहुत अच्छा था, मैकबेथ बहुत अच्छा था, जूलियस सीजर अच्छा था, ओथेलो अच्छा था, लेकिन आपने एक बात गलत कही, आपने कहा व्हाट इज देयर इन नेम। देखो हमने कचरे को कचरा कहा और पूरा भारत हमारा डंपिंग यार्ड बन गया। अगर हम कचरे को संपत्ति कहते थे तो शायद ये डंपिंग यार्ड नहीं बनता था। तो ये जो चीज़ है कि कूड़ा शब्द, शब्द से नफरत है, तो कूड़ा शब्द हटा दीजिए। एंड द मोमेंट यू से इट इज़ अ रिसोर्स, आपके मन में यू स्टार्ट थिंकिंग हाउ यू कैन यूटिलाइज इट। ये एक मेरे हाथ में माइक देने का ज़रा तकलीफ है, क्योंकि जब मेरा समय हो जाएगा तो थोड़ा शर्ट खींचिए पीछे, क्योंकि मेरी ख्याति ऐसी है कि हाथ में माइक आने के बाद शाम तक मैं बातें करता हूँ, तो पता नहीं इनको चलेगा तो मैं बोलूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कचरे की समस्या पैदा की है, इसमें बहुत सारे आयाम है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव आयाम है। जब 60-70 साल पहले ये कचरे की समस्या नहीं थी कि लोग कचरे का इस्तेमाल करते थे, यहाँ ऑल दोज डिटेल्स आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन, बिकॉज देर विल बी सो मेनी पीपल विल बी टेलिंग यू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, सो मैं वो नहीं बताऊँगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मेरे टीचर की। व्हेन माय हाथ में बोतल लगती है, शाम की नहीं एक्सपेरिमेंट की बोतल लगती, एक सम दिया था मुझे टीचर ने कि 10,000 लीटर वॉल्यूम का एक टैंक है और उसमें पानी भर रहे 120 लीटर प्रति मिनट, और उसमें एक छेद है और वो छेद से पानी गल रहा है 20 लीटर प्रति मिनट, तो कितना समय लगेगा। पांचवी का सम था, कोई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की बात मत सोचिए, सिंपल सा सम था, क्योंकि हम कोई स्टेज में से सवाल पूछते हैं तो इमीडिएटली वी स्टार्ट गोइंग इनटू द माइनर डिटेल्स, डोंट गो इनटू माइनर डिटेल, मेजर प्रॉब्लम। तो 10,000 लीटर का टैंक है, 120 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा है, 20 लीटर पानी गल रहा है, तो 100 लीटर भरता है मतलब मिनट में, तो 10,000 लीटर भरने को 100 मिनट लगेंगे, इतना सिंपल सा आंसर था। लेकिन मैं सर की तरफ देख रहा था तो सर को बहुत गुस्सा आया, बाकी सब लोगों ने आंसर दिए आप क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने कहा सर आंसर तो आता है, एक सवाल है मन में, पूछो। मैंने कहा सर अगर टंकी लीक हो रही है तो भरे क्यों, तो पहले उसे लीक रिपेयर करते। बम्बई अहमदनगर में पानी की बहुत समस्या थी, अगर 20 लीटर पानी बह रहा है मतलब मुझे तकलीफ हो रही है सर, तो उसे लीक बंद कर दे। तो मुझे लगा सर शाबाशी देंगे, और गब्बर सिंह जैसा शाबाशी देंगे, तुम्हें क्या लगा सरदार शाबाशी देगा, मुझे लगा सर शाबाशी देंगे। सर ने ही कॉट माय ईयर, उस जमाने में परमिटेड था, झापड़ भी लगा सकते थे, ही कॉट माय, मेरा कान पकड़ा और खड़ा किया। मैंने कहा बहुत स्मार्ट समझते हो खुद को, किताब की गलती निकाल रहे हो, तुम्हें यह सम ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 5 मार्क है और पूरा भारत देश मार्क्सवादी देश है, वोट देंगे बीजेपी को देंगे कांग्रेस को देंगे, लेकिन मार्क्सवादी मेंटेलिटी है, ज्ञानवादी कोई नहीं है, ऐसे सवाल मत पूछो। दूसरी बात सर ने बहुत अच्छी कही थी, सर ने कहा बेटे जब बड़ा होके भारत में जाएगा तब देखेगा पूरा भारत देश गलती हुई टंकी में पानी भर रहा है, बहुत जगह से गलती चालू है, एक गलती बंद करने की कोशिश कर और फिर मुझे पता आसमान में रहूँगा मैं कि सर मैंने कोशिश की, तभी आपको मैं किताब से गलती निकालने का अधिकार दूंगा।
तो देशपांडे सर को मैं बताना चाहता हूँ, आज एक और प्रयत्न कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी में गलती बंद करने की, यश देना न देना आपके हाथ में। तो पहली तो रिक्वेस्ट आपको ये रहेगी, कूड़ा शब्द हटा दीजिए। दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब जानकार है, आप सब एजुकेटेड है, आपके घर को आप जीरो वेस्ट बनाओ। तरीके मैं बताऊंगा, आप आसानी से कर सकते हो। आपके घर को कचरा मुक्त बनाओ। गए कितने साल मैंने मेरा कचरा म्यूनसिपालिटी को नहीं दिया है। एक तो मेरी माताजी कहा करती थी कि बेटा, मराठीत म्हणायची, ताटात टाकू नको, टाकून माजू नये, खाऊन माजाव। सो डोंट वेस्ट एनी फूड। नराडे सर मस्ट बी गेटिंग वंडरिंग, भारत में कितने रईस लोग हैं, 20-25% खाने का कचरा डंपिंग यार्ड पे आ जाता है। कैन वी अफोर्ड टू डू दैट? नो वी कांट। सस्टेनेबिलिटी वर्ड इज ओनली टू टीच इन यूनिवर्सिटी इन ऑडिटोरियम टू टॉक अबाउट इट। कम फॉर हैविंग वन डे गैदरिंग, एन्जॉय एंड गो इन आफ्टरनून लंच। आई एम गोइंग टू मॉनिटर द वेस्ट बिन, हाउ मच ऑफ वेस्ट इज गोइंग टू कम देयर। देयर इज ए बुफे सिस्टम, यू कैन टेस्ट इट एंड देन टेक व्हाट एवर यू वांट। व्हाई यू वांट टू थ्रो इट? बट नहीं, हम फेंकते हैं, सो स्टॉप दैट। तो 20% आपका कचरा खत्म हो गया। बाकी 20% है हमारे घर में। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर कमिंग फॉर द बायोएंजाइम। ये बायोएंजाइम टर्म मेरे समझ में नहीं आई। इन 76 व्हेन आई वाज टॉट एंजाइम, आई वाज टोल्ड दैट इट इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो ये बायो एंजाइम क्या होता है ये नहीं समझ में आया। एनीवे, दैट्स आई विल गेट इट सॉर्टेड आउट लेटर। ये बायो एंजाइम्स जो है ये हमारे घर में हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसमें हमने दूध रखा और इसमें एक चम्मच दही डाला तो शाम को दही बन जाता है। अकॉर्डिंगली यू शुड डेवलप द मैन्यूअर विद इन 24 आवर्स। आई हैव ए कल्चर, इफ समबडी वॉन्ट्स इट यू कैन टेक इट। I'm trying to do it at Kanjur compost, Kanjur Marg also. Let us see if we can give it to entire Mumbai. But वो ज़रूरत नहीं है, आप सब घर में कर सकते हो। Only एक चीज़ बहुत important है, जो आप किचन का कचरा है, आपके फील्ड का कचरा है, उसे बारीक करना है। See, if I am coming to Pushkar's house for lunch, and he knows that I like puran pode. So, if he keeps chana dal and gul in front of me and said, sir, puran podi khao, नहीं खा सकता, उसको बनानी पड़ती है। Similarly, you have to make the compost through a material which bacteria can digest. So, you have to pass it through mixer. अभी राजीव साहब ने मेरी मन की बात कही। When I proposed that idea of using mixer, मेरे घर से ही मुझे निकालने की धमकी मिली। आप मिक्सर कचरे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है यार, इनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेस्ट इज आई चेंज माई रूट। कारवर करके एक हमारे साइंटिस्ट थे, वो कहते थे कि अगर किसी का रास्ता बदलने का है तो वो रास्ता उनको न समझे इस तरह से बदलिए। तो फिर मैंने कहा, श्रीमती जी से प्रार्थना की कि कैन आई यूज़ एन एक्स्ट्रा पॉट। तो मेरी तरफ बहुत करुणामय दृष्टि से देखा उन्होंने कि ठीक है भाई बच्चा, ये तेरी मंजूर की। मैंने तो एक पॉट मैंने खरीदा, एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड होमोजेनाइजिंग दी ककड़ी के छिलके, केले के छिलके, विद इन 24 आवर्स आई गेट इट कन्वर्टेड टू मैन्यूर। विद इन 3 डेज सर, इट कम्स टू FCO स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। आई कैन टेल यू दैट। Of course, in the fields, it may take a little longer, but not for 60 days, 80 days. And I am willing to share this technology with all of you. So, dusra aapka ye kaam ho gaya. Teesra kaam hai, doodh ki thaili dho ke rakhiye. Jo uthane wale aate hai, wo bhi human beings hai. Uska ganda smell leke, aap bojhte unko jaldi nahi leke jao, aap hum ghar mein nahi rakh sakte. How can you expect people to lift it? Can you not wash it for a minute? हमारे पास समय नहीं है, करते क्या हो? व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड तो करते हो, वो समय थोड़ा कम कर दो। Can you not do it? It's very simple.
It takes only 10 minutes to do the waste management in your house. Keep it in 3 different. Sir, Goa ka ek PPT maine bheja hai aapko. For last 6 years, we are running one plant. I am supposed to be expert committee chairman there. 3 lakh metric tons of municipal solid waste is completely processed. Only 3% of it goes to the land sanitary landfill. The entire thing, we are generating 1 megawatt power there. Waste to energy is humbug, I accept that. You will have to spend some money. You will have to spend some money to run the plant because it is a GST to pay for sustainability of the environment, remember that. Unfortunately, nobody speaks in these terms. There is an environmental cost. You know, you have got 23 elements in your body. I am sure biologists will know at least few of them. Carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus, calcium, magnesium, sodium, nitrogen, molybdenum, nickel, cobalt, zinc, boron. I have almost listed 20. So 23 elements are there. They are undergoing a cycle. For last 22 years, I am maintaining one model. ये मॉडल में मैंने डेसिकेटर में एक प्लांट रखा हुआ है. इनफैक्ट इन 2013 आई हैड ए गिवन ए लेक्चर इन दिस सेम हॉल. आई हैड ब्रॉट दैट मॉडल विथ मी. डेसिकेटर में एक प्लांट मैं बढ़ा रहा हूँ. आई हैव नॉट एडेड वाटर फॉर 22 इयर्स एंड इट्स स्टिल सस्टेन्ड ब्यूटिफुली ग्रीन. ऑल द कीड़े मकोड़े उसमें जिंदा है. लोग कहते हैं कैसे पॉसिबल है. इट्स ए सिंपल रिसाइकलिंग. वॉट एवर 600 ml पानी मैंने उसमें डाला था, आज भी वो 600 ml ही है. आज भी उसका रिसाइकलिंग हो रहा है. जो प्लांट ऑक्सीजन लेता है उस लिमिटेड एनवायरनमेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके फूड बनाता है. द प्लांट लाइफ कंटिन्यूज देयर. सेम माइक्रोब्स आर कंटिन्यूइंग. व्हेन द प्लांट लीफ फॉल्स, इट्स नॉट वेस्ट, इट्स कन्वर्टेड. इट इज अ संजीवनी फॉर द न्यू प्लांट. एंड नाउ इफ यू कंपेयर माई मॉडल विद अर्थ, यू विल फाइंड ये छोटा मॉडल है, शरद काले ने बनाया है. वो बड़ा मॉडल है, किसने बनाया. 33 crore ऑप्शंस आर देयर इन हिंदू रिलीजन. इन अदर रिलीजन्स आल्सो देयर आर मेनी ऑप्शंस. समबडी हैज मेड इट. मेरे मॉडल पे सिर्फ बाहर से सनलाइट आता है. उस मॉडल में भी बाहर से सनलाइट आता है. मेरे मॉडल में अगर गलने वाला पत्ता कचरा नहीं है तो वहाँ क्यों कचरा है. अगर वो रिसाइकल नहीं होगा तो आज 800 crore पीपल आर देयर. We have become number one in the population. So what we are doing, you know, each person, how much he uses. आपको सबको मालूम है आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना देते हो. आपको सबको मालूम है आप टेलीफोन बिल कितना देते हो, क्योंकि बिल आता है. अगर रात को 12 बजे का आपका समय ख़त्म हो रहा है टेलीफोन का, तो आप लॉयल्टी कस्टमर रह करके आपको एक मिनट भी ज़्यादा नहीं मिलता है, एक सेकंड भी ज़्यादा नहीं मिलता. यू नो हाउ मच. But do you know how much oxygen you breathe as a biotechnologist, as a biologist? Very rarely people will give the answer. Nahi malum hai unko. Because you don't pay for it. Today I am going to give you the bill of your oxygen. All of you breathe in 21,000 times in a day. Agar vishwas nahi to ginna shuru karo. Kal hum is tar mein is samay tak baithenge aur meji count karenge. Aur wo mushkil hai to mere poor vishwas rakho. 21,000 बार श्वास लेने के बाद हम 17,000 लीटर हवा लेते हैं. उसमें 20% ऑक्सीजन होती है. सो 3,500 लीटर आप ऑक्सीजन लेते हैं. आप केमिस्टली इमीडिएटली केमिस्ट बताएंगे कि 3,500 लीटर ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट टू 2.8 kg, लेट अस से 3 kg. और ऑक्सीजन जब सिलेंडर में खरीदने जाते हैं तो 11,000 रुपये किलो के आसपास उसकी कीमत होती है. तो 33,000 रुपीज़ का ऑक्सीजन आप रोज लेते हो फुकट में. हर श्वास की कीमत 1.5 रुपया है. और वो कैसी देनी है, जीएसटी से देनी है. बाय रिसाइकलिंग यू हैव टू डू इट. 3 liter वाटर यू ड्रिंक एवरी डे. वो पानी की समस्या है. हमारा एक बार मेरी पानी से मुलाकात हुई थी. ही नेवर एक्सप्लेन टू दैट आई एम ए प्रोफेसर ऑल्सो. यूजुअली प्रोफेसर आर हाफ मैड विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड साइंटिस्ट आर फुल मैड एंड आई एम बोथ. सो पानी के बाद बात हुई थी. पानी ने कहा, पानी मैंने पानी को पूछा, पानी रे पानी तेरा हाल कैसा. पानी ने कहा जनाजा उठने वाला है समझो ऐसा. मैंने क्या हुआ, क्या भाई पानी की सोच जनाजा क्यों उठने वाला है. पानी ने बरसना शुरू किया. मेहमानों का स्वागत मुझसे, भगवान को अभिषेक मुझसे,
मंदिर में तीरथ मुझसे, घर खाना बना तो बनाते हो मुझसे, परोसते हो मुझसे, युगों से रहा हूँ मैं धरती पर, युगों से रहा हूँ मैं धरती पर, बारिश झरना नदी सागर, फिर बारिश नदी झरना सागर, सस्टेनेबिलिटी से मैं गुजरता हूँ आपके चक्र से मैं गुजरता हूँ, लेकिन वक्त के मुसाफिर मानव मित्र मेरे, बहुत अच्छी बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हो, मेरे लिए कुछ करते हो, अगली पीढ़ी के लिए कुछ करते हो, अभी भी समय शायद बाकी है मित्र, अभी भी समय शायद बाकी है, जितना पिया है आज तक आधा तो शुद्ध करो मित्र, जितना पिया है आज तक आधा तो शुद्ध करो मित्र, पृथ्वी माता बहुत दयालु है लेकिन वो भी अब थक गई है, अगर तुम नहीं करोगे तो मेरे साथ साथ पूरे मानव वंश का जनाजा उठने वाला है, पूरे मानव वंश का जनाजा उठने वाला है। तो ये हमने पानी की समस्या कर दी, हमने हवा की समस्या कर दी, हमने अनाज की समस्या कर दी, हमारे किसान भाई मदद से एग्री करेंगे, भारत में कोई भी ऐसी भूमि नहीं रही है जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन 1% से ज़्यादा है, कहाँ गया सब, डंपिंग यार्ड पे गया, डंपिंग यार्ड से मुक्त कर सकते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हम इतने पीछे भाग रहे ये कंप्यूटर्स के मोबाइल के ये डेटा कलेक्शन, द मोमेंट ऐसे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे, कितना डेटा है सर, ये टिक मार्क, यस और नो, यस और नो, अरे उससे नहीं काम चलता। हमारे एक भाई थे सॉक्रेटिस, उन्होंने कहा था इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन समथिंग लव इट, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन एनवायरनमेंट स्टार्ट लविंग इट, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, स्टार्ट ग्रास्पिंग इट, जब तक आप ग्रास्प नहीं कर पाते तब आप कुछ नहीं कर पाते, वो ग्रास्पिंग ग्रास रूट लेवल पे आपको ग्रास्पिंग करनी है, हम सिर्फ उसके पीछे दौड़ते हैं। आजकल रोबोटिक्स का ज़माना आया है सर, सब जगह रोबोटिक्स चल रहे हैं, हमारे एक यूडोवस की करके मशीन लैंग्वेज आर्टिफिशियल मशीन लैंग्वेज के एक चेयरमैन है बर्कले में, उन्होंने एक वार्निंग दी है, यू स्टॉप ऑल द रिसर्च फॉर 6 months एंड रीथिंक रेट्रोस्पेक्ट, मराठी त्याला आपण सिंहावलोकन म्हणतो, काय केलं आहे तुम्ही आत्तापर्यंत करून बघा, 6 महिने काय, आता 6 महिने बंद करा रिसर्च, अदरवाइज यू विल क्रिएट अ रोबो अँड सिस्टीम अँड टेल दॅट दिस ग्लोबल वॉर्मिंग इज अ प्रॉब्लेम, क्लायमेट चेंज इज अ प्रॉब्लेम, सो यू हॅव टू स्टॉप इट, दॅट्स अ ऑर्डर यू आर गिवन टू द रोबो, द रोबो विल कॅल्क्युलेट अँड टेल दॅट ह्युमन बिईंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शर्ट ओढलं तरी झालं, द ह्युमन बिईंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लायमेट चेंज, सो ही विल एलिमिनेट द ह्युमन बिईंग, दॅट सिच्युएशन इज नॉट व्हेरी फार, ऑलरेडी रोबोट्स हॅव किल्ड 6 people इन जपान इन द मिलिटरी, सो ही हॅज, इट्स नॉट अ सायन्स फिक्शन, व्हॉट एवर वी आर डुईंग, लोक विचारतात प्रलय कधी होणार, म्हणलं सुरू झालं आहे, आता आपण कधी वाहून जातो एवढंच फक्त विचार बाकी करायचं, सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज दॅट, अरे मला पुष्कर मला नाही विचारलं होतं काय करायचं, म्हणलं कचरा शब्द काढून टाका, रिमूव द वर्ड कचरा, डोंट थ्रो एनिथिंग इन युअर डिश, अँड those who are educated, those who are learned, those who understand, given a lead by example, convert your the raw biodegradable waste into manure. Mala ekani vicharla sir itke manure cha karaycha kay, mhanle adi karun to dakho ma baghu kay karaycha, he sagle kisan bhai baslet na, te vaat baghtat ki tumhi changla organic manure kadi dyal, chan city compost karaycha mixed waste, ma darade sarangla loka yetat, आय विल डू मिक्स कंपोस्टिंग, तर त्या एवढे ते प्रॉब्लेमनेस हे झालेले असतात की बाबा काहीतरी कर पण कर, मग त्याच्यामध्ये आर्सेनिक येतो, बॅटरीमधलं तुमचं ते कॅडमियम येतं, अँड देन नोबडी विल बाय दॅट ऑर्गॅनिक मॅन्युअर, वाय दे शूड बाय, इट विल स्पॉइल युअर अर्थ, सो थिंक अबाउट इट, सो दिस कॉन्फरन्स शूड गिव वन टेक होम मेसेज वाईल गोईंग, मेक शुअर ऑफ दॅट, अदरवाइज कॉन्फरन्सेस हॅव नो व्हॅल्यू, जसं तो मशिनिस्ट लँग्वेज म्हणला ना तो युडोवेस्की की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स 6 महिने थांबवा, तसं माझं सरकारला सांगणं आहे की 5 वर्ष सगळ्या सेमिनार बंद करा, आणि जेव्हा एखादं काहीतरी खरोखर सांगण्यासारखं असेल तेव्हा करा, मे बी आय एम, मगाशी मी म्हटलं मी प्रोफेसर आणि सायंटिस्ट आहे, सो सम मॅडनेस इज देअर, बट इट्स रिक्वायर्ड, सम रेट्रॉस्पेक्टिंग इज रिक्वायर्ड, स्वतःला विचार करा व्हॉट आय कॅन डू फॉर पर्यावरण, मग तुमच्यावर पाळी येणार नाही, धूल चेहरे पे थी
चेहरा ही साफ करते रहे, आईना नहीं साफ करते रहे। धन्यवाद।